राज्य सरकार के आदेश पर प्रभारी अधिकारी डॉक्टर समीर शर्मा अलवर पहुंचे और जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। इससे पूर्व डॉक्टर शर्मा ने अलवर शहर के अलावा राजगढ़, मालाखेड़ और ईएसआई हॉस्पिटल का जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के साथ दौरा किया। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर समीर शर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना समीक्षा मीटिंग ली। मीटिंग में कोरोना मरीजों की संख्या की चेन तोड़ने के लिए चर्चा कर नए नियम बनाए गए। इधर डॉक्टर शर्मा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में कोरोना की दूसरी वेव जारी है, इसमें सावधानी ही बचाव है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर बचाव के प्रयास कर रही है, लेकिन आमजन की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोरोना की सेकेंड वेव में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, स्थिति गंभीर है। सरकार के साथ प्रदेश की जनता के सहयोग से ही प्रदेश को कोरोना मुक्त किया जा सकता है। देखिए, कोरोना की जो सेकंड लहर है वो राजस्थान में अपने पैर पसार रही है और तेजी से जो नंबर ऑफ केसेज हैं प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। एक बहुत गंभीर स्थिति बन गई, आपात स्थिति बन गई है। इसीलिए राज्य सरकार ने जो बड़े जिले हैं उनके प्रभारी अधिकारी हैं उनको जिलों में विजिट के लिए भेजा और समीक्षा करने के निर्देश दिए। उसी क्रम में आज अलवर का विजिट किया है और अलवर में फील्ड में हमने विजिट किया है, कुछ राजगढ़ है, मालाखेड़ा है, वहाँ पर विजिट किया है, अलवर सिटी में विजिट किया है। यहाँ जो एक लंबे समय से जो ईएसआई का मेडिकल कॉलेज था जो प्रारंभ नहीं हो पा रहा है वहाँ भी विजिट किया है, क्योंकि और बेड्स की आवश्यकता है, कलेक्टर साहब भी साथ में थे और पूरी स्थिति का आकलन किया गया है। और अभी जो सभी अधिकारीगण थे उनके साथ बैठक की गई है और समीक्षा की गई है और उसमें प्रभावी रूप से तीन तरह की एक्टिविटीज़ अभी तत्काल करने की आवश्यकता है। एक तो प्रिवेंशन, जो नंबर ऑफ केसेज है, जो संक्रमण हो रहा है, तो संक्रमण की जो चेन है उसको तत्काल रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम नंबर ऑफ केसेस पे रोकथाम नहीं लगाएंगे तब तक हम नंबर ऑफ बेड चाहे कितने भी बढ़ा लें वो कम ही रहेंगे।